हेलो फ्रेंड्स, मैं बबली आप सभी को स्वागत करती हूँ नंदी लवली गार्डन में। तो फ्रेंड्स देखिए, आज है संडे और मैं जो अपडेट है वही आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो इस बीच में कोई ख़ास काम नहीं की हूँ फ्रेंड्स, तब भी जो है गार्डन में अभी वो आप सबको दिखाऊंगी फ्रेंड्स। तो देखिए, आज इस वाले हिबिस्कस में एक फूल खिला हुआ है। देखिए ये भी रेडी कलर का है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। और रेड हिबिस्कस देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए जितने ब्रांच है इसमें सारे में कली बने हुए हैं फ्रेंड्स। तो अब ये बहुत अच्छे से खिलेगा, जैसे पीला वाला खिल रहा है काफ़ी दिनों से। आज भी उसमें दो फूल खिला हुआ है और जब मैं यहाँ से कट कर दी थी तो देखिए अभी कितने घने हो गए, इसमें ब्रांच सब निकले हुए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं पौधा देखने में। और ये वाइट हिबिस्कस भी बहुत अच्छे ग्रोथ पे हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो पूरे ज़रूर देखना, थोड़ी भी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो फ्रेंड्स, मैं वहाँ पे भी पेज बनाई हुई हूँ। जो वीडियो मैं यहाँ डालती हूँ फ्रेंड्स, वही वीडियो मैं यूट्यूब पेज पे भी डालती हूँ। वहाँ पे नव्या की छोटी सी बगिया करके पेज बनाई हूँ, वहाँ भी मैं वीडियो शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। सारे वीडियो नहीं पर कोई कोई वीडियो शेयर करती हूँ। तो देखिए आज इसमें भी दो फूल खिला हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये पौधा भी काफ़ी बड़ा हो गया है फ्रेंड्स और सारे ब्रांच में कली बहुत अच्छे से बने हुए हैं। और इधर जितने हिबिस्कस हैं तो सारे अच्छे ग्रोथ पे अभी चल रहे हैं, इस समय कली नहीं है। ये भी रेड ही हिबिस्कस है पर इसका फूल का साइज और भी बड़ा होता है फ्रेंड्स। और ये तो ऑरेंज कलर का है और ये सब मैं कुछ में अभी फूल एक बार भी नहीं खिला है मेरे गार्डन में। ये तो मिनी गुलर है, इसमें भी देखिए कली बन रहे हैं सारे ब्रांच में। इसके पत्ते थोड़े पीले हो गए हैं, अब अच्छे ग्रोथ पे आ रहे हैं ये सब पौधा फ्रेंड्स। और ये गंधराज का पौधा है, इसमें भी पत्ते पीले हो गए थे, अब देखिए जब फर्टिलाइज़र दी हूँ तब अच्छे ग्रोथ पे आया है। इसका सब मैं DAP अभी तक नहीं दी हूँ फ्रेंड्स। जो दाल चावल का पानी रहता है जब थोड़ा देना रहता है तो उसी से स्प्रे कर देती हूँ, क्योंकि अभी बीच बीच में बारिश हो जाती है तो मिट्टी में देने की ज़रूरत नहीं पड़ती फ्रेंड्स। तो इसीलिए अभी गुड़ाई नहीं की हूँ, तो इसीलिए कोई फर्टिलाइज़र नहीं दी हूँ। और देखिए पानी में भी पोर्चुल का बहुत अच्छे से चल जाते हैं फ्रेंड्स। देखिए काफ़ी दिनों से पानी में ही रखा हुआ है, मैं इसका पानी एक बार भी चेंज नहीं की हूँ जब से लगाई हूँ, एक महीने से ज़्यादा हो गए होंगे फ्रेंड्स। और ये सारे मिट्टी में लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है अभी। और देखिए बहुत सारे कलर के फूल सभी में खिले हुए हैं। इसमें कुछ बीज डाली थी तो जो बड़े हो गए थे उसे मैं कल निकाल के लगा दी इधर उधर। और देखिए रेड कलर भी अब कहीं कहीं पे खिल रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है इसका रेड कलर का फूल भी। पोर्चुलगा के सारे कलर बहुत ही खूबसूरत होते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत देखने में लगते हैं। देखिए इसमें भी जो बच्चे ने 4-5 दिन पहले इसको पानी में रखे थे तो देखिए कितने बड़े बड़े रूट हो गए हैं। तो कल रात भी बारिश हुई थी इसलिए ऊपर से मिट्टी इस समय लग गया है फ्रेंड्स। अभी आई हूँ तो रात में पता नहीं चला कि कब बारिश हुई, पर छत पे आई हूँ तो पानी लगा हुआ था तो उससे पता चला। अभी तो बहुत तेज़ धूप हो गई है, अभी इतनी तेज़ धूप है कि वीडियो बनाने का आज मन नहीं कर रहा था फ्रेंड्स। तभी संडे है, अपडेट दिखाना तो ज़रूरी था, जो हम काम करते हैं उसमें तो मन नहीं करने का नहीं रहता है ना फ्रेंड्स, क्योंकि काम तो करना ही है। और देखिए इस कनेर में कितने सारे नीचे से ब्रांच आ रहे हैं और वाइट कनेर भी काफ़ी घना हो रहा है। देखिए मैं वाइट पोर्चुल का इसमें लगे हुए हैं, कितने बड़े बड़े फूल आ रहे हैं ना और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और जब इसमें ऊपर वाइट कनेर और नीचे ये वाइट कनेर वाले में नहीं लगा हुआ है फ्रेंड्स, ये पिंक वाले में लगा हुआ है। देखिए हमारा अनार का पौधा भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये टिकोमा बेल ये भी बहुत अच्छे ग्रोथ पे आ रहे हैं फ्रेंड्स। ये सारे पौधे बहुत अच्छे ग्रोथ पे अभी आ रहे हैं। तो जब से बारिश शुरू हुई है तो पौधे सबका थोड़ा रौनक आ गया है फ्रेंड्स, और बहुत अच्छे ग्रोथ पे आ रहे हैं सारे। पोर्चुल का देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और इस साइड भी देखिए पर्सलेन में भी खिला हुआ है और एक हाइब्रिड पोर्चुल का भी खिला हुआ है। और ये बीज से लगाई हूँ, इसका नाम नहीं पता पर इसमें लाल कलर के फूल आते हैं फ्रेंड्स। गाँव से ही मैं बीज लेके आई थी तो इसका बहुत सारे पौधा अब जनमेट हुआ है, तो अब थोड़ा ये सबसे बड़ा है। और सदाबहार के फूल देखिए कितने बड़े बड़े साइज के अभी आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है इसके फूल। और देखिए यहाँ पे दो कटिंग से पौधा तैयार हो रहा है फ्रेंड्स। तो ये लग रहा है कि और तो कटिंग तो 7-8 लगाई थी, इसमें दो ही अभी बचा, बाकी सब गल गए। तो देखिए इस साइड भी काफ़ी दिनों से घुराई नहीं की हूँ, छोटे छोटे पॉट में है तो सारे के मिट्टी बिल्कुल बैठ गए हैं।
तो एक बार गुड़ाई करना ज़रूरी है। ये देखिए अजमैन का पौधा था, इसमें गेंदे का बीज डाली थी, बहुत सारे पौधे उगे थे, सारे चिड़िया ने कट कर दिए, एक ही पौधा बचा। और देखिए इसमें कुछ कैलेडियम में पत्ते पीले हो गया है फ्रेंड्स, ये सबको हटाना है क्योंकि बीच में जब 2-3 दिन बहुत तेज़ धूप थी उस टाइम बहुत सारे पौधे के पत्ते पीले हो गए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बारिश होने के बाद जब धूप बहुत तेज़ निकलती है तो उससे हमारे पौधे का बहुत नुकसान हो जाता है। और देखिए यहाँ भी वाइट ही खिला हुआ है इस गमले में, तो इस बार वाइट काफ़ी सारे हैं फ्रेंड्स। रेड जो सिंदूरी रेड है वो कम है, पिंक और वाइट बहुत ज़्यादा है। जो इस बार कम है फ्रेंड्स उसको मैं अभी अलग से लगा रही हूँ, जिससे कि अगले सीजन में हम सभी जितने भी कलर के पुरचुलका है वो अच्छे अच्छे से लगाएं। नहीं तो इस बार क्या है, वाइट और लाइट पिंक ये दो बहुत ज़्यादा मात्रा में, ये कलर भी बहुत कम है, एक का दो का करके खिल रहा है, तो इससे अलग इस बार रखूँगी फ्रेंड्स। तो इस साइड देखिए नाग ये चंपा बहुत अच्छे ग्रोथ पे आ रहा है। यहाँ पे वाइट अपराजिता में से जो छोटे छोटे पौधे थे निकाल के जो लगाई थी उसी में से एक ये लगाई थी, ये भी बहुत बड़े हो रहे हैं अब। और इसमें कुछ सीडलिंग डाल दी थी, ऊपर से ऐसे ही बीज डाल दी थी, तो देखिए कुछ पौधे इसमें उगाए हैं। तो इस साइड भी देखिए सारे पुरचुलका बहुत सारे खिले हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। तो इस साइड यही सब है, कनेर बहुत अच्छे ग्रोथ पे अभी है फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे कली बन रहे हैं। और यहाँ देखिए एक फूल आज खिला हुआ है और एक में तो काफ़ी दिनों से खिल रहे एक ब्रांच में, और बाकी ब्रांच में कली बनना अब शुरू हुआ है, तो कुछ दिनों में उस समय भी बहुत अच्छे से खिलने लगेगा। तो हमें पूजा के लिए हमें लगातार फूल मिलता ही रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि कनेर लगभग हमेशा खिलता ही है। देखिए इसकी मिट्टी भी बहुत जल्दी सूख जाती है, इसमें पानी डालती हूँ और शाम तक बिल्कुल ही सूख जाते हैं, इसका रूट ऊपर तक भर गया है फ्रेंड्स। देखिए इसमें पुरचुलका लगा हुआ है तो मैं गुड़ाई नहीं कर पाई हूँ, और देखिए ऊपर भी बहुत सारे कलर के पुरचुलका खिले हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए अभी कनेर में फूल नहीं है फ्रेंड्स, जो कली सब बने हुए थे तो वो आगे नहीं बढ़ पाए फ्रेंड्स, तो इसीलिए अभी फूल की कमी हो गई है। इसमें ब्रांच बहुत लंबे लंबे हो रहे हैं अभी, तो अभी लंबाई काफ़ी बढ़ गई है इस प्लांट की। और देखिए हमारा सदा क्या कहते हैं हर सिंगार काफ़ी अच्छे ग्रोथ पे है, नीचे से भी दो ब्रांच इसमें आया है। देखिए ये हमारा मोगरा का, इसमें जो रिपोर्ट की थी उसके बाद पौधे अच्छे ग्रोथ पे नहीं थे फ्रेंड्स, जब यहाँ से कट कर दी तो देखिए कट करने के बाद बहुत अच्छे ग्रोथ पे पौधे आ गए हैं, 4-5 दिन में ही देखिए बहुत अच्छे से इसमें नए नए पत्ते आना शुरू हो गया। तो 10 दिन लगभग इसको कट किए हुए होंगे फ्रेंड्स। और देखिए इसमें कितने सारे बीज डाली थी फ्रेंड्स, तो अब जाके जनरेट हो रहे हैं। और देखिए इसमें अरबी का पौधा भी बहुत अच्छे से चल रहा है, और जो देखिए तुलसी के कितने सारे पौधे उगे हुए हैं इसमें, तो इसको मैं इसमें से निकाल के अलग कर दूंगी, सिर्फ अरबी का रहने दूंगी। और ये थनवर्जिया में देखिए पत्ते ऊपर मुड़ने लगे हैं फ्रेंड्स, कल मैं इसे दही के पानी से स्प्रे की थी, थोड़ा मिट्टी में भी डाली थी फ्रेंड्स, पर देखिए रात में बारिश हो गई तो उसका रिजल्ट उतना अच्छा तो नहीं मिलेगा, फिर 1-2 दिन में इसे दही के पानी से स्प्रे कर दूंगी। और देखिए इस साइड सारे पौधे ठीक ठाक चल रहे हैं फ्रेंड्स, अभी तक इसमें नागचंपा में कली नहीं बनी हुई है, और इसमें भी यहाँ आज फूल नहीं है। और इस साइड देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ना, देखिए कितने सारे फूल खिले हुए हैं, अब इसका साइज काफ़ी बड़ा बड़ा आ रहा है अभी देखिए, और काफ़ी खूबसूरत ये पुरचुलका इस साइड का लग रहा है फ्रेंड्स। देखिए इसका साइज कितना बड़ा है, इस वाले कलर का साइज काफ़ी बड़ा होता है फ्रेंड्स, जितने कलर के हैं उसमें पिंक सबसे बड़ा फूल होता है। तो आज के संडे अपडेट में यही था फ्रेंड्स, तो देखिए कितने खूबसूरत लग रहा है ना, तो हम बेकार से बेकार चीज़ में भी पुरचुलका लगा के अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए इस साइड का इधर है ऐसा लग रहा है अभी, और इस साइड भी देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और देखिए हमारा मधुमालती का बेल यहाँ भी आ गया, और बहुत अच्छे से इसके ब्रांच अभी ऊपर की तरफ सारे आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो अगले सीजन तक इसमें पूरे भर जाएगा। और देखिए मैं इसे फोन को उल्टा करके दिखा रही हूँ इस साइड, तो देखिए इसमें आज इस साइड बहुत कम फूल खिले हुए हैं,
और देखिए मधुमालती का बेल बहुत अच्छे से चल रहा है, पर यही है कि मधुमालती फ्रेंड्स ज़मीन में लगा रहता है तो काफ़ी अच्छे से चलते हैं, पॉट में उतना जगह उसे नहीं मिल पाता है। तो तभी देखिए कब तक रहता है पॉट में, तो देखिए इस साइड तो यही है फ्रेंड्स आज के संडे अपडेट में। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।